ओके वेलकम बैक स्टूडेंट्स नाउ इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द सेम रूल्स डिविजिबिलिटी रूल्स तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड डिविजिबिलिटी रूल्स टिल फाइव ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल डिविजिबिलिटी ऑफ सिक्स सिक्स की डिविजिबिलिटी हम चेक करनी होती है तो कैसे चेक करेंगे एनी नंबर इज़ डिविजिबल बायस if a number is divisible by 2 and 3 both so suppose uh, a number is 18342 we take a number this first you will check this number whether it's divisible by 2 yes so let me check 18342 is divisible by 2 because of इट्स वंस प्लेस इज टू अगर इसकी वंस प्लेस पे जीरो टू फोर यानी इवन नंबर अगर होता है तो वो नंबर क्या होता है टू से डिविजिबल होता है सो वी कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय टू एंड चेक वेदर इट्स डिविजिबल बाय थ्री ऑल्सो वन प्लस एट एंड फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री वी कैन एड ऑल दीज नंबर सम ऑफ ऑल दीज डिजिट्स इफ समीज डिजिट विल भी डिविजल बाई थ्री द सेम नंबर विल ऑल्सो भी डिविजल बाय थ्री तो वन प्लस एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन एटीन आएगा यहाँ पे टोटल एंड एटीन इज डिविजल बाय थ्री बाई सिक्स टाइम्स सो वी कैन से नंबर वन एट थ्री फोर टू इज डिविजबल बाय सिक्स तो डिविजिबलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है सबसे पहले किसी भी नंबर को आपको टू और थ्री से चेक करना होता है कि अगर वो दो नंबर दोनों से डिविजिबल होता है टू और थ्री से तो वो नंबर सिक्स से भी डिविजिबल होगा ना द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज डिविजिबिलिटी ऑफ एट सो राइट वन नंबर है सिक्स वन सेवन वन सिक्स एट एनी नंबर एनी नंबर यू कैन टेक वन सिक्स एट आई टुक दिस नंबर इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट थ्री डिजिट्स फोर की डिविजिबिलिटी क्या थी लास्ट टू डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता था अगर वो नंबर फोर से डिविजिबल होता था तो पूरा नंबर फोर से डिविजल होता था एट की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि लास्ट थ्री डिजिट्स इफ अ नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट थ्री डिजिट्स इज डिविजल बाई एट द होल नंबर विल भी डिविजिबल बाई एट सो लेट्स चेक द नंबर वन सिक्सटी एट वेदर इट्स डिजिबल बाई एट नॉट एट वन जो एट एट टू जिक्सटीन

डिजिबलिटी बाई नाइन इफ दफ इट्स डिजिट्स बाय डिजिबल डिजिजबल बाई नाइन द होल नंबर विल बी डिजिबल बाई फर्स्ट वी विल राइट अंबर यू कैन टेक एनी नंबर फाइव सिक्स टू वन एट फाइव अगर इसका सम पूरे डिजिट्स का अगर टोटल नाइन से अगर डिविजल है तो ये नंबर नाइन से डिविजिबल होगा पूरा नंबर जैसे हम थ्री का डिविजिबिलिटी चेक करते थे सेम वही करना है आपको तो फाइव प्लस सिक्स एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन इज द टोटल ऑफ डिजिट ट्वेंटी सेवन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय नाइन ट्वेंटी सेवन को आप डिवाइड करके देखो तो वो पूरी तरह से नाइन से डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर भी आपका नाइन से डिवाइड हो जाएगा यानी कि इट्स इट डिविजिबल बाय एंड द लास्ट इज डिविजिबिलिटी ऑफ टेन टेन की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं टेक नंबर थ्री जीरो इट्स वेरी सिंपल इफ द लास्ट डिजिट इज जीरो इफ एनी नंबर इज़ हैविंग जीरो इन इट्स लास्ट प्लेस और वंस प्लेस और द लास्ट डिजिट तो वी कैन से द होल नंबर विल भी डिविजल बाई टेन जैसे आपने फाइव की चेक करी थी तो फाइव में क्या था कि इफ़ द वंस प्लेस इज जीरो और फाइव द होल नंबर विल भी डिविजल बाय फाइव बट इन टेंस केस मीन्स टें टेंथ केस में हमें क्या करना होता है कि सिर्फ जो लास्ट प्लेस होती है या फिर जो वंस प्लेस होती है वो ज़ीरो होनी चाहिए अगर वो जीरो है तो फिर आपका होल नंबर भी डिविजल होगा यानी पूरा नंबर आप उसको टें से डिवाइड कर सकते हो ना इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फाइव बी थैंक यू